हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। सो एक छोटा सा अपडेट था, अब से हम लोग यूट्यूब पे एग्रोनॉमी के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, इसमें हम लोग जनरल एग्रीकल्चर करते हुए एग्रोनॉमी का जितना भी आपका सिलेबस है विद रिस्पेक्ट टू आपका ICAR का एग्ज़ाम जो अभी PG का होने वाला है, आपका UPSC का IFS की भी अगर आप एग्रीकल्चर एज ए ऑप्शनल लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए भी, आपका AFO के लिए, NABARD के लिए, IFCO के लिए, आपका FCI के लिए, एवरी एग्ज़ाम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, आपका उस सब के सिलेबस को कंसाइज करके आपका एग्रोनॉमी सब्जेक्ट और जितने भी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स हैं ना उनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, एग्रोनॉमी हम लोग यूट्यूब पे करेंगे और सॉइल साइंस हम लोग अनअकैडमी पे कर रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है। आप फ्री स्पेशल क्लास पे जाके, मैं वैसे लेक्चर के एंड में अपना क्लास का लिंक डाल दूंगी, सो दैट जब आप एग्रोनॉमी स्टार्ट करें और साथ साथ आपको सॉइल साइंस भी करना है तो आप वहाँ जाके डायरेक्ट अपना लेक्चर जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, जो अभी तक हो चुके हैं, उन्हें देख सके और आगे का भी देख सके। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिलेबस को ना 50-50% बांट देंगे, आधा हम लोग अनअकैडमी पे करेंगे, आधा हम लोग यूट्यूब पे करेंगे। इससे क्या होगा, आपका विद इन अ स्पैन ऑफ 3-4 मंथ्स आपका एग्रीकल्चर का 90% सिलेबस एक ही जगह पे कवर हो, एक ही बार में कवर हो जाएगा, क्योंकि एक 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 करने में लेक्चर्स को काफ़ी टाइम लग जाएगा। वहीं आप दिन में 4 घंटा देंगे, 2 घंटा एग्रोनॉमी और 4 घंटा अगर आप पढ़ते हैं, 2 घंटा सॉइल साइंस के लेक्चर होते हैं क्योंकि उसका सिलेबस फास्ट है, राइट। तो 2 घंटा आपको सॉइल साइंस में देना है, वहाँ ही अनअकैडमी पे पढ़ाई भी हो रही है, उसका रिवीजन भी हो रहा है, नेक्स्ट सेशन में मॉर्निंग के सेशन में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में रिवीजन करके आधा टॉपिक कर रहे हैं और 2-3 लेक्चर्स के बाद हम लोग प्रैक्टिस पेपर और डाउट सॉल्विंग सेशन कर रहे हैं, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। वो पैटर्न वहाँ करते हुए आपका सॉइल साइंस 2 घंटा आपने दिया तो कवर हो जाएगा, 1 घंटा आपने एग्रोनॉमी को यहाँ पे देना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे ना, छोटे छोटे टॉपिक्स पर डे डालेंगे, ज़्यादा ज़्यादा आपका 1 घंटे की वीडियो नहीं डालूंगी मैं, जो पहले छोटे टॉपिक हैं येट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको पहले हम लोग कवर करते जाएंगे। ओके, ऐसे करते हुए हम एग्रोनॉमी को आगे करेंगे और 1 घंटा आपका रात का रिविजन का हुआ, तो लगभग आप 4 घंटे एग्रीकल्चर को देते हैं और रेस्ट टाइम में आप अपना रीजनिंग, एम्पलीट्यूड, GK करिए, ठीक है, इंग्लिश करिए, ताकि आपका क्वालिफाइंग लेवल का भी, जैसे AFO में प्री क्वालिफाइंग नेचर का है वो आपका क्वालिफाई हो जाए, या बाकी एग्जाम्स में भी आपके NABARD में भी ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं तो आप उसको भी एक्सेल करें विद एग्रीकल्चर। ओके, उसके बाद एग्रोनॉमी जब यहाँ पे फिनिश हो जाएगा हमारा और वहाँ सॉइल साइंस, तो फिर हम इसके बाद अपना प्लांट या तो क्रॉप फिजियोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे और फॉरेस्ट्री एंड फिशिकल्चर आपका सॉइल साइंस आपका अनअकैडमी पे स्टार्ट करेंगे। ओके, इस तरीके से क्या होगा कि आपका 2 महीना के अंदर आप देखिए सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, ठीक है, क्रॉप फिजियोलॉजी या मान लो प्लांट पैथोलॉजी, फिशरी कल्चर और आपका ये फॉरेस्ट्री, देखना आप कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए आपके 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स आपके ऑलमोस्ट 5-6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो फिनिश हो जाएंगे, सो आपके लिए काफ़ी अच्छा चीज़ होगा। अब एग्रोनॉमी का सिलेबस जो है, वैसे मैं टॉपिक जो पहले इंपॉर्टेंट है वो लाऊंगी, आप ये जानते हैं कि पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हम उसे कवर करते हैं, बट एक आपको थोड़ा सा रफ ओवरव्यू देने के लिए है ना, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि एग्रोनॉमी में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे और कैसे हम उनके लेक्चर्स बनाएंगे, आपको मैं सिलेबस डिस्कस कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखो प्रिंसिपल ऐसा कुछ खास है नहीं क्रॉप प्रोडक्शन का, आप जानते हैं टिलेज करके प्रॉपर करना चाहिए, कैसे सीड्स को डालना चाहिए, है ना, फील्ड क्या ऐसे हमें कल्टीवेट प्रोडक्शन करना है कि आपका सॉइल जो है वो बचे, मतलब सस्टेनेबली आपको क्रॉप प्रोडक्शन करना है, यही सब कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो हम इसमें जो मेजर टॉपिक्स क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे जानेंगे कैसे एग्रीकल्चर क्रॉप को क्लासिफाई किया जाता है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ इसका लाइफ साइकिल, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट इज़ यू नो डे प्लांट और डे लॉन्ग प्लांट और डे शॉर्ट प्लांट है, नाइट लॉन्ग प्लांट है या न्यूट्रल प्लांट है, ठीक है, बेस्ड ऑन डाइकॉट्स उसका मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, ऐसे अलग अलग कैश क्रॉप है या फिर आपका वो कल्टिवेशन का क्रॉप है, फूड क्रॉप है, ऐसे ऐसे या फॉडर क्रॉप है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन जो किया गया है उसको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिससे क्वेश्चन आता है, इन सब चीज़ों को जैसे NABARD के नॉर्म्स हो गया, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे।
फिर हम कल्टीवेशन ऑफ राइस, वीट, चिकपी, पीजन पी, शुगर केन, ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड एंड पोटैटो और इनकी डिजीजेज एंड मैनेजमेंट स्टार्ट करना हमें है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, अगर ये मैंने ICAR के सिलेबस को एक मतलब नहीं होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके दिया है, और ऐसे हम आगे और जो अलग अलग एग्जाम्स के हैं उनके पॉइंट्स को यहाँ ऐड ऑन करते जाएंगे। अब देखिए, एग्रोनॉमी मैंने क्यों लिया है, ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन हमारे पास एडवांटेज क्या है, हमने ऑलरेडी फील्ड क्रॉप यानी खरीफ, रबी एंड जायद जो है कवर कर लिया है, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। सो जो ये कल्टीवेशन के टॉपिक जिनमें एक एक कल्टीवेशन में एक एक दिन दो दो दिन लग रहा था वो आपको ऑलरेडी हो रखा है। तो मैं क्या करूँगी, जब कल्टीवेशन ऑफ राइस स्टार्ट करूँगी तो जो राइस का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, समरी में जो सबसे मोस्ट अटर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको एक जगह कंसाइज करके उसका लेक्चर बनाऊंगी, और प्रॉपर डिटेलिंग में जो है हमने जो पहले कर रखा है उसका लिंक इसमें मैं डाल दूंगी, ठीक है, नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इससे क्या होगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर खोलिएगा, उस लिंक को आपका राइस कल्टीवेशन का लेक्चर आ जाएगा, आपने पूरा देख लिया। फिर जो अभी मैंने करंट लेक्चर डाला है उससे आपने हाईलाइट कर लिया, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो पॉइंट्स नहीं दिए हैं वो इंपॉर्टेंट है अभी के पैटर्न के हिसाब से, उसे आपने अलग से रेड मार्क से नोट कर लिया। ऐसे क्या होगा, आपका भी टाइम बचेगा और हम लोग ज़्यादा टॉपिक्स कम टाइम में कवर कर पाएंगे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ जो भी अब मेरे लेक्चर्स देखे AFO जो इस ईयर लास्ट में होने वाला है उसमें आपका सिलेक्शन हो के हो, ठीक है, होए ओके, कोई और चांस ही नहीं है, यू हैव टू क्रैक इट, ऐसा वाला सीन होना चाहिए, ठीक है। मैं भी आपके साथ अब मेहनत करूँगी, आप भी मेरे साथ मेहनत करिए। एक बार हमारा वापस से एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट करते करते वो इंगेजमेंट दोबारा क्रिएट हो जाए, लाइक स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव, वो एकदम डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग रीजनिंग, एम्पलीट्यूड, इंग्लिश, GK को भी, जैसे एग्रीकल्चर, करंट अफेयर को भी धीरे धीरे टच करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैं आपका जो इम्पोर्टेंट है कैसे ट्रिक्स के साथ करना है वो भी डालना शुरू कर दूंगी, अगर स्टूडेंट्स की डिमांड आती है तो, या आपने कोई और सोर्स उसके लिए रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं है। नाउ आगे सिलेबस डिस्कस करते हैं, मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया, अभी सॉइल साइंस का टॉपिक है, वहाँ पे हम ये कवर करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस एक बार कर दूंगी। अब देखो, रोल ऑफ NPK एंड देयर डेफिशिएंसी सिस्टम, सॉइल साइंस में हमें पूरा NPK और अलग जो एसेंशियल और आपके न्यूट्रिएंट्स है ना, जैसे आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और पूरा आपका लिस्ट है, उनको पढ़ना है, तो वो हम सॉइल साइंस में प्रॉपर 2 से 3 लेक्चर लेके करेंगे, तो यहाँ पे उसको दोबारा से रिपीट करने का मतलब नहीं बनता। आप सॉइल साइंस का, अब मेरा जाइए अनअकैडमी पे, मैं इसके नीचे अपना यूज़र आईडी दे दूँगी, वहाँ पे आप जाके चेक करिए, प्रॉपर लेक्चर नंबर्स दिए हुए हैं, वहाँ पे PDF भी साथ में लगा हुआ है, आप खोलिए उसको 2x पे करिए, मान लीजिए मैं बहुत स्लो लगती हूँ आपको बोलते हुए, या स्पीड अगर मेरा फास्ट लगता है तो आप स्लो फास्ट करिए, और उसमें नोट्स आप बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, ओके। NPK का वहाँ पर प्रॉपर डिटेलिंग में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। तो YouTube पे हम एग्रोनॉमी के प्रस्पेक्टिव से सिर्फ NPK आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटैश ही करेंगे और उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखेंगे। फिर इसका सेकेंड पार्ट आता है जहाँ पे आपका चलता है जेनेटिक्स एंड क्रॉप फिजियोलॉजी। आप देख सकते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, माइटोसिस, मियोसिस, मेंडल जेनेटिक्स, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन। इसलिए मैंने कहा कि YouTube पे मैं आपका क्रॉप फिजियोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। एक बार आपका एग्रोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स जो आपके किसी और सेक्टर में नहीं आते उसे हम कवर करेंगे, उसके बाद हम क्रॉप फिजियोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। ये सेक्शन बी खत्म हो जाएगा वहाँ पे, सेक्शन सी जो है वो ए के साथ ही कवर हो गया, ठीक है। फिर हम उसके बाद रूरल एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पे आपका रूरल डेवलपमेंट भी आ जाएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन भी आ जाएगा, और ज़्यादा लंबे लेक्चर्स का वो है भी नहीं, खत्म, ठीक है। दूसरा वो सब्जेक्ट ऐसे हम स्टार्ट कर देंगे, उससे बीच में हम प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी जानेंगे, एग्रोनॉमी क्या है, कैसे कैसे हम कल्टीवेशन करते हैं, टिलेज के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसाइज फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, एवरीथिंग हम भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर कैसे कैसे क्रॉप इकोलॉजी है आपकी, कैसे वो अडेप्ट करती है, उसका क्या प्रिंसिपल है, मतलब बेसिकली आप कह सकते हो हम लोग एग्रोमेट्रोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ओके। एग्रोमेट्रोलॉजी में आपका एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया आएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वेदर, क्लाइमेट, अर्थ एटमोसफियर, सोलर रेडिएशन, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब आएगा। रोल ऑफ GIS एंड GPS इन एग्रीकल्चर, जब हम रिमोट सेंसिंग करेंगे इन सॉइल साइंस, वहाँ पे GIS एंड GPS को भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि एक साथ आपको कंसाइज फॉर्म में मिल सके, ठीक है। फिर आता है हमारा सबसे फेमस फील्ड क्रॉप्स। अब देखो, फील्ड क्रॉप्स
सीरियल्स का कल्टीवेशन वी हैव डिड इट, ओके, राइस, वीट, मेज, सॉर्गम, पर्मिलेट, माइनर मिलेट, बार्ले मैंने करा रखा है यूट्यूब पे, पल्सेस, चिकपी, लेंटिल, पीस, पिजन पी, मूंग बीन, उड़द बीन हमने कर रखा है यूट्यूब पे, ऑयल सीड्स, ग्राउंड नट, सीसम, सोयाबीन, रेप सीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, आपका लिंसेड हमने यूट्यूब पे कर रखा है पहले ही, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जून, सनहेम हमने कर रखा है, शुगर क्रॉप्स में शुगर केन, शुगर बीट भी कर रखा है, फॉडर एंड फॉरेज में आपका सॉर्गम, मेज, नेपर, बरसीम, लूसिन और आपका ओट्स हमने कर रखा है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स आई थिंक हमने लेमन ग्रास, इसबगोल और मेंथा शायद नहीं किया है, बट वी विल डू इट, ओके, हम लोग कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, और कमर्शियल क्रॉप्स में पोटैटो एंड टबाको, तो आपको मैंने बता ही दिया कैसे हमारा प्रोसेस चलेगा, हम लोग प्रॉपर, मतलब मैं आपका जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, मैंने राइस कल्टीवेशन के 2-3 लेक्चर यूट्यूब पे डाले हुए हैं, ठीक है, अब SRI भी डाला हुआ है, अलग अलग तरीके से डाला हुआ है, ठीक है, आपका सीडलिंग फॉर्म में भी डाला हुआ है, ट्रांसप्लांटेशन भी डाला हुआ है, तो उतने लेक्चर्स में से जो समराइज करके जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो लेक्चर बनाऊंगी कल्टीवेशन ऑफ राइस इंपॉर्टेंट ऐसे डाल के, उसमें पूरा पढ़ाने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रेस्ट मैंने अभी लेक्चर्स के नाम लिए उन सब के लिंक्स 1, 2, 3, 4, 5 करके डाल दूंगी, आप पहले उनको देखो, इसको देखो, 1 घंटा से 1.5-2 घंटा लगेगा, आपको पूरा राइस एकदम ऐसा हो जाएगा कि उससे बाहर कोई पेपर में क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, ओके, ऐसे चलेगा। फिर वीट मैनेजमेंट, अब एक्चुअली में इसमें जितना भी टॉपिक है आपका वीट साइंस करके मैं कवर करा दूंगी, वाटर मैनेजमेंट हम यहाँ पे करेंगे, फिर सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूजेज, अब इसमें जितने भी टॉपिक है वो सब सॉइल साइंस का पार्ट है, तो वाई टू डू इट अगेन एंड अगेन, राइट, तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे से कवर कर लेंगे, ओके, आपका सॉइल साइंस में। फिर प्रॉब्लम सॉइल्स, ये भी प्रॉब्लमैटिक सॉइल्स एंड देयर रिक्लेमेशन जो है ये सॉइल साइंस का टॉपिक है, तो वहाँ पे हमसे लास्ट एंड टॉपिक है, एंड से 2-3 टॉपिक पहले है, तो वो सॉइल साइंस के वहाँ के लेक्चर में ये कवर हो जाएगा, ओके। सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम यूट्यूब पे होगा, फॉरेस्ट्री जो है वो आपका अनअकैडमी पे रहेगा, फॉरेस्ट्री एंड आपका फिशरी, रेस्ट जो है वीट साइंस आपका हो गया, सीड साइंस हो गया, एवरीथिंग विल बी ऑन यूट्यूब, तो इस तरीके से क्या होगा आपका दोनों जगह पैटर्न चलता रहेगा, यूट्यूब अनअकैडमी, अनअकैडमी यूट्यूब। और दूसरा सबसे अच्छा चीज़ क्या होगा, हम जैसे अनअकैडमी पे हम सॉइल साइंस कैसे कर रहे हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस, पहले हम लोग कंसेप्ट कवर करते हैं, ठीक है, पहले कंसेप्ट कवर करते हैं, फिर हम डाउट क्लियर करते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम डाउट क्लियर करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम लोग PYQs और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर कर रहे हैं, एंड यू वोंट रियलाइज, आपको लगेगा मैं ऐसे फ्लॉन्ट कर रही हूँ, बट एक्चुअली में बहुत सारे स्टूडेंट्स का पहले लेक्चर के कंपैरिजन में अब जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका एक्यूरेसी और टाइमिंग बहुत इंप्रूव हो गया है, अब मैं उनको अगर किसी क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड देती हूँ तो वो मुझे 5 सेकेंड से पहले पहले उस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, रीजन बिहाइंड, कंसेप्ट को हमने इतना ज़्यादा अच्छे से कंठस्थ कर लिया है प्रैक्टिस कर करके, कंसेप्ट को समझ के क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, हम लोग एग्रोनॉमी के लिए भी यहाँ पे यही काम करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एक बार बल्क में जब हमारा टॉपिक्स हो जाएंगे तो एक सेशन रिविजन सेशन रखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो हम अनअकैडमी पे करेंगे, रीजन बिहाइंड, अगर मैं अभी यूट्यूब पे क्वेश्चन आंसर डालूंगी तो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, लेकिन आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में उस टाइम देंगे, लाइव में बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, बहुत प्रॉब्लम रहती है, ओके, और मैं सबके कमेंट्स देख भी नहीं पाऊंगी, वही हम अगर अनअकैडमी पे जाते हैं तो देयर इज अ ऑप्शन ऑफ पोल, तो क्या होगा उस पर आपको मैं क्वेश्चन मतलब ऐसे PPT पे रहेगा, PDF में ऑप्शंस भी रहेंगे, मैं जैसे ही पोल डालूंगी क्रिएट करूंगी आपको 15 से 1 मिनट तक टाइम मिलेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसा है, और फिर आप वहाँ पे जस्ट आपको टिक करना है ABCD और मेरे पास एक रेंज आ जाएगा कि फर्स्ट कौन आया, किसने कितने कम टाइम में आंसर दिया, कितने लोगों ने गलत आंसर दिया, उसका सही आंसर क्या होना चाहिए था, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी ताकि मुझे भी पता चले किस क्वेश्चन में सबको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ 50% का रेशियो रहेगा गलत सही का वहाँ वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन, ओके, इसीलिए हम लोग क्वेश्चंस वहाँ करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कर रही हूँ पेड कोर्स है या एनीथिंग, कुछ पैसा वैसा मेरे को क्या करना, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, आप जो है अनअकैडमी पे मतलब मैं आपको अपना अभी दे दूंगी लिंक, आप उस पर क्लिक करिए, फ्री में सॉइल साइंस के स्पेशल क्लासेज हैं, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, जितने भी मैंने अभी तक लेक्चर लिए आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करिए, नहीं लगता है तो इट्स ओके, ठीक है, आपको ऐसे टीचर से पढ़ना है जिससे आपको समझ आए, जो आपको प्रिपरेशन से आगे ले जाके एग्ज़ाम क्लियर कराने तक के स्टेज पे ला सके, ठीक है, वरना लेक्चर्स तो बहुत लोगों के हैं बट एग्ज़ाम हर कोई क्लियर नहीं करवा पाता है ना,
तो उसके और होता क्या है, जितना अभी यंग जनरेशन है उनमें ज़्यादा यू नो एनर्जी सोर्स है, वो ज़्यादा आप कह सकते हो कुछ नया करने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए रेडी रहते हैं। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए ही मैं आपका मल्टीपल सोर्स पे और ज़्यादा टाइम ले रही हूँ। मैं आपका दिन में एक तरीके से देखा जाए तो मैं आपसे 4 घंटे मांग रही हूँ, 2 घंटे सॉइल साइंस के लिए, 1 घंटा एग्रोनॉमी के लिए और 1 घंटा रिवीजन करके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए। बस रेस्ट टाइम में आपको जितना टाइम बचता है आप उसमें अपना रीजनिंग एम्पलीट्यूड और जीके और इंग्लिश का टाइमिंग बांध लीजिए और करिए। लेकिन ये 4 घंटे जो है आपका इसी साल जितने भी एग्ज़ाम्स आप देंगे वो क्लियर करा देंगे। ये मैं आपको, अगर आप मेरी तरह मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ वैसे पढ़ते हैं तो फॉर श्योर है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। ओके, एग्रोनॉमी का हम लोग इंट्रो करेंगे, इंट्रो तो छोटा सा है, उसके बाद क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, और 1-1 अल्टर डे में वीडियोस विल बी देयर, लाइक आज आया तो कल नहीं परसों ऐसे करके, क्योंकि मुझे अब 3-4 जगह 3-4 लेक्चर्स के लिए PPT बनाना पड़ रहा है। ओके, बट आप उसकी चिंता मत करिए, आएगा ज़रूर। सो बाय बाय, सी यू।